क्वेश्चन दिया है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स, ये सभी आपके अल्केन्स दिए हुए हैं और अरेंज करना है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन कर लेते हैं। रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों ने सीखा हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिन अल्केन में ज़्यादा कार्बन होंगे ठीक है तो उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एज ए रिजल्ट उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये फर्स्ट पॉइंट है। अच्छा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो तो सेकेंड कंडीशन आपको दिमाग में रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग होता है, तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगा, अगर ब्रांचिंग ज़्यादा होता है, ब्रांचिंग क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है ठीक है। ब्रांचिंग ज़्यादा होने की वजह से सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, कम हो जाता है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो कंपाउंड दिया है हेप्टेन, तो इसमें कितने कार्बन है, 7 कार्बन। ब्यूटेन कितने कार्बन है, 4 कार्बन। 2-methyl butane कितने कार्बन है, 5 कार्बन। 2-methyl propane कितने कार्बन है, 4 कार्बन। हेक्जेन कितना कार्बन हो गया, 6 कार्बन हो गया। तो अब एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो आपके ACE ठीक है, ACE का बॉइलिंग पॉइंट B और D के कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है, हेप्टेन में, तो A का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा ठीक है। फिर इसके बाद में 6 कार्बन आ गए किसका, E का, तो E का बॉइलिंग पॉइंट। फिर इसके बाद में 5 कार्बन है किस में, C में, तो ये आपका C आ जाता है। अब ध्यान देते हैं भाई B एंड D में चलते हैं, तो बी में क्या है आपका, स्ट्रेट चेन है, ये स्ट्रेट चेन, और इसमें ब्रांचिंग आ गया कि इसमें प्रोपेन हो गया, ये आपका ब्रांचिंग आ गया डी में, तो जिसमें ब्रांचिंग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो स्ट्रेट चेन है इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया है, दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई किए गए हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, तो इसके बाद में बी होना चाहिए, फिर इसके बाद में लास्ट में क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि डी में ब्रांचिंग है तो सरफेस एरिया कम हो गया, और बी में ब्रांचिंग नहीं तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। तब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, चेक कर सकते हैं आपका AECBD, आपका ए ऑप्शन सही हो गया, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर।